क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। नालासोपारा पूर्व स्थित अंबावाड़ी के शादी.com हॉल में भाजपा के वसई विरार शहर जिला अध्यक्ष राजन नाइक के जन्मदिन के अवसर पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन रखा, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। नालासोपारा पूर्व के शादी.com हॉल में भाजपा द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी के वसई विरार शहर जिला अध्यक्ष राजन नाइक के जन्मदिन के अवसर पर रखा गया। वहीं यह रक्तदान शिविर साथिया ब्लड बैंक के सहयोग से किया गया। इस रक्तदान शिविर में भारतीय जनता पार्टी के वसई विरार शहर जिला अध्यक्ष राजन नाइक, भाजपा के मनोज बारोट, प्रज्ञा कमलाकर पाटिल, मुजफ्फर घनसार, अभय कक्कड़, देवराज सिंह, विनीत बबुआ गुप्ता आदि भाजपा के पदाधिकारी व महिला व पुरुष कार्यकर्ता भारी मात्रा में शामिल रहे। इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं आयोजकों की ओर से रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं आयोजकों ने आयोजन की जानकारी मीडिया को दी। मुझे बहुत खुशी है कि आज अपने महाराष्ट्र में ब्लड की कमी है, तो पेशेंट जो है, जो ब्लड के गरजू है, जो फेलिसिमा के पेशेंट है और अन्य जो ऑपरेशन के लिए जिसको ब्लड की आवश्यकता है, कोविड जैसी महामारी है उसमें ब्लड की आवश्यकता है, उसके लिए अगर कार्यकर्ता हमारे ब्लड दे रहे तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे कार्यकर्ता का संवेदनशीलता आप देखो कि कार्यकर्ता का पेशेंट के प्रति कितनी अच्छा भाव है। इससे पहले भी आपके सहयोगियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा कई प्रकार के ब्लड डोनेशन से अन्य प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो उसके विषय में आप अन्य उन लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित करोगे जो ब्लड डोनेट करने से डरते हैं? मैं जिसका जो ब्लड डोनेट करते हैं उसका अभिनंदन करता हूँ, और जब ब्लड डोनेशन के लिए डरते हैं उसको मैं बिल्कुल ऐसा कहता हूँ कि ब्लड डोनेशन उसी आदमी का ब्लड लिया जाता है जो ब्लड डोनेशन के नॉर्म्स में आते हैं। जैसे पहला हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, 12-12.5 से अगर ऊपर हीमोग्लोबिन है तो ब्लड लिया जाता है। दूसरी बात, आपका बीपी चेक किया जाता है, अगर बीपी 80-120-130 के अंदर है तो ब्लड लिया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन जिसका अच्छा है, बीपी जिसका कंट्रोल में है, तो उसको ब्लड देने में कोई तकलीफ नहीं है। ब्लड अपना 24 घंटे में 48 घंटे में जो ब्लड देते हैं वो फिर शरीर में वापस आते हैं। और अगर ब्लड हम लोग लोगों को नहीं देंगे तो कैसा चलेगा? लोगों की आज आवश्यकता है, अगर कल उठ के समझो हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो ऐसा ही ब्लड डोनेट जो करते हैं उससे ही मालूम पड़ता है, मिलता है ना हमें, तो ब्लड लोगों ने डोनेशन करना ही चाहिए, ऐसी मेरी सभी से आग्रह से प्रार्थना है। ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारा 11 तारीख को 11 दिसंबर को हमारे जिला अध्यक्ष राजन नाइक जी का बर्थडे है, उसके उपलक्ष्य में हमने 2017 में जो आज हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री अभय कक्कड़ जी है उन्होंने 2017 में इसकी शुरुआत की थी, आज चौथा साल है। और आज कोरोना काल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हर ब्लड बैंक में खून की बहुत कमी है, तो इसीलिए हम लोग ने ये चौथे साल ये आयोजन किया है। हमारे वसई विरार जिला के यशस्वी अध्यक्ष राजन जी नायक, इनका जन्मदिन 11 दिसंबर को हर साल की तरह हम लोग बनाते हैं, जिसमें ब्लड रक्तदान से भी सर्वश्रेष्ठ दान, रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान, ये हम लोग आयोजन करते हैं युवा मोर्चा द्वारा। हर साल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करते हैं, और आपको भी मालूम है आज के दिन कोरोना की महामारी में कितना रक्तदान की ज़रूरत है। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ वसई विरार की जनता को भी कि आप भी रक्तदान करिए। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष माननीय श्री राजनजी नाईक यांचा 11 डिसेंबरला होत असलेल्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून आज रक्तदान शिबिर इथे साथिया ब्लड डोनेट यांच्या थ्रू भरवलेलं आहे अंबावाडीला नालासोपारा इस्टला। रक्तदान श्रेष्ठ दान, आज आनंद होतोय की या करोनाच्या संकटकाळी आम्हीही भले थोडंफार काय असेना पण एक रक्तदान करून देशाच्या या संकटाच्या वेळी आपण या कार्याला हात लावतोय, हातभार लावतोय। माननीय श्री राजनजी नाईक यांचा वाढदिवस
जवळजवळ 4 वर्ष झाले हा ब्लड डोनेशन कॅम्प आयोजित केला जातो आणि चांगल्या प्रकारे उत्स्फूर्तपणे लोक येऊन ब्लड डोने म्हणजे रक्तदान करतात. तर मी सर्व लोकांचा कार्यकर्त्यांचा आभारी आहे की मलाही या ठिकाणी आज उपस्थित राहून रक्तदान करता आलं. मलाही आनंद वाटला की आजच्या या घडीला जिथे म्हणजे सरकारला पण रक्तदानाची गरज आहे अशावेळी आपल्या रक्ताचा पुरेपूर वापर होतो आहे, योग्य ठिकाणी वापर होतो आहे. तर मी माझ्यामार्फत संदेश देऊ इच्छितो की ज्यांना ज्यांना खरोखर काही दान करण्याची इच्छा असेल तर अशा ठिकाणी जिथे रक्तदान शिबिर आयोजित केलं जातं तिथे आपलं भले थोडंसं का असे ना रक्तदान करून देशाच्या या संकटाच्या वेळी देशाला हातभार लावा. श्रेष्ठ कार्य आहे हे. या कार्यात सहभाग घेऊन आपल्याला लोकांचे आशीर्वाद मिळवण्याची नामी संधी आहे. नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीव्ही न्यूज की एक रिपोर्ट.